आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्याज के पकौड़े की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, 3 मीडियम साइज़ की प्याज इसको चॉप कर लिया है, 3 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 कटोरी धनिया पत्ती। तो चलिए बनाते हैं प्याज के पकौड़े को। इसके लिए देखिए मैंने बेसन में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक को बेसन में अच्छी तरीके से 5 मिनट तक फेंट लिया है। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी 3 मीडियम साइज़ की, हरी मिर्च ऐड कर देंगे, धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बरसात के मौसम में प्याज के पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुरकुरे पकौड़ी बनाने की रेसिपी दूंगी। इसको अच्छे तरीके से सब तरफ मिक्स कर लेंगे। चलिए मिक्स हो गई है और कढ़ाई को चढ़ा के तेल गर्म करेंगे। उसमें देखिए मैंने तेल गरम करी हूँ, ये सरसों तेल है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ये हमारा गर्म हो गया है, इसी में पकौड़ी को ऐड कर देंगे, इस तरीके से डाल देंगे सब तरफ, जितनी आपसे एक बार में डला सके, हैंडल कर सके उतनी ही डालिएगा। इसको हाई फ्लेम पे ही बना रहे हैं हम, क्योंकि ये कुरकुरी वाली पकौड़ी नहीं है। एक कुरकुरी होती तो इसको लो फ्लेम पे बनाते, जैसे कलर चेंज होता जाएगा हम पलटते जाएंगे। इसी तरीके से मैंने सारी पकौड़ी को इसमें ऐड कर दिया है। अब जैसे जैसे कलर चेंज होता जाएगा इसको हम पलटते जाए, दोनों तरफ से हमारी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए, फिर निकालेंगे इसको। थोड़ा सा इसको और देख लेंगे, जो हमारी नई हुई रहेगी उसको पलट 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 के सही कर लेंगे गोल्डन कलर होने तक। इस तरह देखिए मेरी ये सारी कलर इसका चेंज हो गया है। इसको निकाल लेंगे, इस तरीके से करेंगे तो जो ऑयल एक्स्ट्रा उसमें गया है वो कढ़ाई के अंदर आ जाएगा। इसी तरह करके प्लेट में निकाल लेंगे। अब दूसरे बैच की पकौड़ी को ऐड कर दें, जितनी एक बार में हैंडल हो सके। अगर ये कुरकुरी होती तो इसको लो फ्लेम पे पकाते हैं, ये कुरकुरी वाली नहीं है इसीलिए इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे। ध्यान रखिएगा इसका कलर चेंज हो तो इसको पलटना है। ये पकौड़ी का भी अलग टेस्ट है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में बारिश के मौसम में। तरह इसको भी दूसरे बैच को भी देख लेंगे, कलर चेंज होने पे सारी पकौड़ी को पलट देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप हाथ से न डाल के स्पून से डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं हाथ से डायरेक्ट।
चलिए मेरी सारी ये भी पकौड़ी रेडी हो गई, दूसरे बैच की भी इसको भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए हमारी पकौड़ी रेडी है और बहुत ही अच्छी बनी है। इसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिससे भी आप खाना चाहते हैं उसके साथ खाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।